मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने कभी बिजली का बिल चेक कराया है और वो अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो आप उसको अकाउंट को अनलिंक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने जीपे अकाउंट को ओपन कर लेना है। तो मैं अपने जीपे अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको 102 बार स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ मेरा गूगल पे में ये वाला अकाउंट पश्च हिमाचल विद्युत वितरण कंपनी से है। तो ये मेरा ये अकाउंट ऐड हुआ पड़ा है। तो मुझे इसको अनलिंक कैसे करना है, तो मुझे क्या करना है, मैं इस पर टैप कर देता हूँ। तो मैंने इस पर टैप कर दिया। टैप करने के बाद आप यहां देख सकते हैं, आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको टॉप में एक 3 डॉट की लाइन देखने को मिलेगी। तो मैं 3 डॉट की लाइन पे क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसे रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा पश्च हिमाचल विद्युत वितरण, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैंने इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको या इस तरीके का यहाँ देखने को मिल रहा है, आइकन देखने को मिला। तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिलीट, तो आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है। या आइकन देखने को मिला तो मैं डिलीट पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको इस तरीके से आपके डिटेल वगैरह देखने को मिलेंगी। तो यहाँ मुझे ये अकाउंट जो है मुझे इसको अनलिंक करना है, तो मैं इसको अनलिंक अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने अनलिंक अकाउंट पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंट अनलिंक। तो अब जो मेरा जो गूगल पे से जो अकाउंट है वो अनलिंक हो चुका है। तो आप इस तरीके से जीपे अकाउंट में अपने बिल चेक करा है, तो आप उस जो आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है बिजली वाला, तो आप उसको अनलिंक कर सकते हैं। तो वीडियो चलेगी तो लाइक कर सकते हैं।